हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन एंड साइक्लो एल्केन यूनिट के अंदर साइक्लो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया, तो सभी के सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं। साइक्लो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन ये भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलते हैं अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। तो साइक्लो एल्केन्स कैसे होते हैं, बोला ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स क्या होते हैं, ये वाला कार्बन इससे जॉइंट है, ये वाला कार्बन इससे जॉइंट है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जिससे रिंग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, आप सभी को पता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने एच होंगे, कार्बन कितने बॉन्ड बनता है, चार, एक दो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दो एच और होंगे, यहाँ पर चार बॉन्ड बनाता ना, तो CH2 CH2 CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन क्यों बोले, क्या नंबर, तो देखो साइक्लिक है ना, साइक्लिक है तो साइक्लिक बोल दिया। ब्यूटेन क्यों बोलने, कार्बन के नो एक दो तीन चार, जैसे इसमें तीन कार्बन थे तो प्रोपेन बोला। ठीक है, देखो साइक्लो क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर भी साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पेंटेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन एक दो तीन चार पाँच कार्बन है इसमें। ठीक है, ऐसे ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन है। ठीक है, और जो साइक्लो हमारे पास साइक्लो एल्केन है उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि एलिफैटिक होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक होते हैं इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnS2n। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, इनका क्या होगा, CnS2n होता है इनका जनरल फॉर्मूला। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो साइक्लो एल्केन होते हैं उनको उनकी नेमिंग कैसे की जाती है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पाँच, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, अभी हमने बोला। ठीक है, और जो बाहर से ग्रुप जुड़ा वो क्या, प्रोपाइल ग्रुप, C3H6 में क्या बोले, प्रोपाइल, तो क्या बोले, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पे क्या एक दो तीन चार पाँच, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, पीछे साइड को साइक्लोपेंटेन लगा देना है। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या होगा पूरा, वन एथिल वन टू थ्री, वन वन पर क्या लगा, एथिल ई पहले आता है ना, तो एल सी पहले लिखा है। ठीक है, एम बाद में आता है, तो वन टू थ्री, तो वन एथिल और थ्री मेथिल, एक दो तीन, और इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसकी बात करें तो देखो क्या है, साइक्लोहेक्सीन है कि नहीं है, क्योंकि पीछे साइक्लोहेक्सीन लगा है। अब इसमें भी काउंट करो सबसे पहले, तो देखो कैसे लो, एक दो तीन। ठीक है, तो टू पर एथिल लगा है, वन को माटी वन इसको मान रहे हो, तो वन और थ्री पर क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाईमेथिल, टू एथिल वन को मा थ्री डाईमेथिल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन। तो देखो फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम डाईहैलाइड। इस मेथड में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, टर्मिनल डाईहैलाइड होता है। टर्मिनल डाईहैलाइड क्या होते हैं, जिसके किनारे पर देखो कार्बन के, देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन के किनारे वाले का और कार्बन कौन सा है, ये और ये, तो उनमें क्या है, हैलाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला, व्हेन टर्मिनल डाईहैलाइड, इसकी बात कर रहे हैं, इज ट्रीटेड विद जिंक, जिंक और सोडियम, यहाँ हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कर रखा है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये 2NaBr बाहर हो जाएगा, ऐसे ऐसे बाहर हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ, ऐसे यहाँ से टू बाहर, टू एन ए बाहर हो गया, यहाँ से बी आर भी दो बाहर हो जाएंगे, तो टू एन ए बी आर बाहर हो गया और यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, सेम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, जेड एन सी एल टू बाहर हो जाएगा, दो सी एल यहाँ से बाहर, जेड एन यहाँ से बाहर, तो सी एस टू से सी एस टू जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड होगी फ्रॉम डाईहैलाइड। जो सेकेंड मेथड है साइक्लो एल्केन प्रिपरेशन की, वो है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे अनसैचुरेटेड क्यों बोला, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 1.3-butadiene और ये है एथीन, ये है 1.3-butadiene और एथीन है, इसको हमने हीट किया 475 केल्विन ताप पर किया। ठीक है, जिससे साइक्लो हेक्सीन बन जाएगा, देखो साइक्लो हेक्सीन बनेगा पहले। ठीक है, कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है, तो इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, ये है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ चले जाता है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो अब ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन। देखो साइक्लोहेक्सीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि साइक्लिक है, कार्बन भी छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः,
ई एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्जीन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको करना है, इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसकी प्रेजेंस में? निकिल की प्रेजेंस में। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, एक यहाँ पर जोड़ देंगे, एक यहाँ पर जोड़ देंगे। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ गए और डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये होगी सेकेंड मेथड। तो जो थर्ड मेथड है साइक्लोएल्कीन फॉर्मेशन की, वो है एडिशन ऑफ कार्बीन टू एल्कीन। इसको हम लोग साइमन स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद मेथिलीन आयोडाइड, ये मेथिलीन आयोडाइड है, ये एल्कीन हो गया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर इट गिव्स साइक्लोप्रोपीन। इसको सिंपली बताएं, कोई मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो सी एस टू है ये कार्बीन होता है। ठीक है, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वो यहाँ पर जुड़ जाता है। देखो यहाँ पर जोड़ दें तो एक बॉन्ड यहाँ से बना देगा, एक बॉन्ड यहाँ से बना देगा, ये वाला डबल सिंगल हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया, क्या बन गया है? साइक्लोप्रोपीन। तो ये वाला सी एस टू यहाँ जोड़ दिया हमने, ये वाला सी एस टू है। ठीक है, दूसरे में क्या होगा? देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि सिस एल्कीन होगा। अगर ये देखो, जो कार्बिन यहाँ से बनता है ना, इंटरमीडिएट कार्बिन, इंटरमीडिएट दो प्रकार का होता है, एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं, जो कार्बिन बन रहा है कैसा बन रहा है, सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर सिस एल्कीन होगा तो सिस ही जो प्रोपेन रिंग होगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग, वो भी सिस बनेगी। ठीक है, ट्रांस होगा तो ट्रांस बनेगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास सिस एल्कीन है, सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप में सेम ग्रुप सेम साइड है ऊपर को, है ना। यहाँ पर देखो इसको ट्रांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम, तो देखो इसको ट्रांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, अपोजिट साइड में है। ठीक है, इसको बोले ट्रांस को सिस। तो हमने इसके साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर सी एस टू जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या है? सिस ही है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड अभी भी है। तो यहाँ पर से भी सी एस टू यहाँ पर जुड़ जाना है, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा। तो ट्रांस है तो ट्रांस का ट्रांस ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बन जा रहा है? हमारा साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ मेथड है साइक्लोएल्कीन प्रिपरेशन की, वो है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, ये देखो CH2CH2COCACH2COCH2। ठीक है, इसको याद रखना, इसका डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन मतलब क्या है? यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा? देखो यहाँ से सी ए बाहर निकाल देना, क्या निकाल दोगे? सी ए यहाँ से बाहर निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर से आपने सी, चाहे ये वाला CO2 निकालो, चाहे ये वाला CO2 निकालो, यहाँ से CO2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से CO2 बाहर निकाला और एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकाला, तो क्या बन जाएगा? CaCO2 तो यहाँ पर है, एक ये हो जाएगा, तो क्या होगा? CO3 CaCO3। तो यहाँ क्या बचेगा फिर? CO ही तो बचेगा। तो देखो CH2CH2CH2CH2CO, तो यहाँ CH2CH2CH2CO, तो ये साइक्लोपेंटेनॉन बन गया, कीटोन है। ठीक है, अब हमने इसका करना है रिडक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा क्लीमेंस रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है पता है? जो CO है ग्रुप, है ना, क्लीमेंस रिडक्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, जो CO ग्रुप होता है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में CH2 बन जाता है, तो क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। तो ये भी साइक्लोपेंटेन बन गया। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं कुछ जिससे हम लोग साइक्लोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं।